सिरमौर जिला के नाहन ऐतिहासिक चौगान में सिरमौर कप क्रिकेट प्रतियोगिता संपन्न हुई, जिसकी अध्यक्षता शिमला ग्रामीण से विधायक विक्रमादित्य सिंह ने की। इस प्रतियोगिता में प्रदेश सहित पड़ोसी राज्यों से भी लगभग 60 टीमों ने हिस्सा लिया। फाइनल में मोगीनंद की टीम ने शिलाई की टीम को हराकर खिताब पर कब्जा किया। इससे पूर्व विधायक विक्रमादित्य सिंह का नाहन पहुंचने पर जोरदार स्वागत किया गया। उनके साथ रेणुका से विधायक विनय कुमार, जिला कांग्रेस अध्यक्ष अजय बहादुर भी शामिल हुए। नशा छोड़कर खेलों की थीम के साथ ये टूर्नामेंट हर वर्ष आयोजित किया जाता है। समारोह में विक्रमादित्य ने सबसे पहले खिलाड़ियों को नशे से दूर रहने की शपथ दिलवाई। अपने संबोधन में विक्रमादित्य ने प्रदेश सरकार पर बेरोजगारी बढ़ाने का आरोप लगाते हुए कहा कि अभी तक जल शक्ति एवं अन्य विभागों में जो भर्तियां हुई है वो केवल मुख्यमंत्री एवं जल शक्ति मंत्री के क्षेत्रों में हुई है, अन्य को कुछ नहीं मिला है। विक्रमादित्य ने बताया कि जयराम सरकार की सबसे बड़ी उपलब्धि प्रदेश पर 45,000 करोड़ का कर्ज देना है, जो अभी तक प्रदेश के इतिहास में नहीं हुआ। इस सरकार के अब कुछ ही दिन बचे हैं, उसके बाद कांग्रेस की सरकार प्रदेश में बनेगी। लोगों का मान सम्मान करते हैं, जो जनता के प्रतिनिधि है, देश के प्रदेश के प्रतिनिधि है, मुख्यमंत्री जी। अगर हम तो आंकड़ों की बात कर रहे थे कि इस चीज से ये सरकार जो है इस चीज को डिनाई नहीं कर सकती है कि शासनकाल में आज बेरोजगारी का आंकड़ा प्रदेश के अंदर 20 लाख जो है वो पार कर चुका है। प्रदेश में पिछले एक साल में 30,000 करोड़ का नुकसान प्रदेश को हुआ है, और इनके 3 साल के कार्यकाल में 60,000 करोड़ के ऋण में प्रदेश सरकार है। और जैसा मैंने कहा कि हड्डियां गिनाई जाती है, माननीय मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर जी की जो सबसे बड़ी उपलब्धि उनकी सरकार की है वो यही है कि उन्होंने 45,000 करोड़ का ऋण केवल और केवल अपने कार्यकाल में प्रदेश के ऊपर लिया है, और जब वो भी पूरा नहीं हो रहा था तो अभी 2 दिन पहले FRBM कानून को उसमें संशोधन लाकर विधानसभा में स्टेट GDP का जो पहले 3% आपको ऋण लेने की अनुमति होती थी, अब उसको बढ़ाकर 5% की ऋण लेने की अनुमति जो है वो केंद्र सरकार से बनवा ली है। मैं समझता हूँ ये पूर्ण है, क्योंकि अगर हम सरकार के परिप्रेक्ष्य में ना देखें, प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में ना देखें, एक साधारण व्यक्ति के परिप्रेक्ष्य में भी देखें, तो निश्चित तौर से कामयाब व्यक्ति वही होता है, कामयाब शासक वही होता है जो विकास तो करवाए मगर विकास के साथ साथ आय के साधन भी प्रदेश के लिए जोड़ सके, और यही चाणक्य नीति भी कहती है। मैं समझता हूँ कि इस चीज़ में ये सरकार पूरी तरीके से विफल है। आज ऋण जो है प्रदेश के अंदर चरम सीमा पर है, बेरोजगारी प्रदेश के अंदर जो है चरम सीमा पर है, नशा तस्करी प्रदेश के अंदर चरम सीमा पर है, और कोरोना काल में जो हाल हमारे अस्पतालों के हुए, डॉक्टरों के थे, आपके जितने कोविड सेंटर से ना वहाँ पे ऑक्सीजन उपलब्ध था, ना वहाँ पे रेस्पिरेशन मशीन्स उपलब्ध थी, नहीं रह गया है। हमने तो विधानसभा में भी कहा कि ये सरकार अब कुछ ही दिनों की मेहमान है, इस समय में इस अंतरकाल में अगर वो कुछ अच्छा कर ले तो कर ले, वरना अगली जो हमारी सरकार कांग्रेस पार्टी की प्रदेश में बनेगी, हम फिर से हिमाचल प्रदेश को जिस तरीके से राजा वीरभद्र सिंह जी ने हिमाचल प्रदेश में विकास के कार्य करवाए उसी तरीके से फिर से कांग्रेस पार्टी की सरकार प्रदेश के अंदर करवाएगी।